इनफैक्ट गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि यूएस के मार्केट्स में कल जो डेटा आ गया है वो काफी चिंताजनक है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन बहुत ही सिग्निफिकेंटली चढ़ा है 7.5% तक। तो अंदाजा है कि यहाँ पे जो फेड का गाइडेंस है इन्फ्लेशन को लेके, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। कई लोग ऐसे मान रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट नहीं 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आएगा, तो ये थोड़ा सा डरावना है और इसी कारण से कल हमने यूएस मार्केट्स में बिकवाली देखी। और इसका नियर टर्म इम्पैक्ट ये रहेगा कि काफी हद तक एफआई की बिकवाली जो अभी हमने अभी तक देखी है वो शायद आगे थोड़ी सी और बढ़े, और यही कारण है कि आज मार्केट्स में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का एक सिनेरियो दिख रहा है। हमारे मार्केट्स की बात करें तो कल जो आरबीआई की पॉलिसी आ गई वो बहुत ही डॉविश कॉमेंट्री गवर्नर साहब ने दी है। लो इंटरेस्ट रेट्स कम रखने का उन्होंने प्रयास किया है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे तो ग्लोबल मार्केट्स के बिल्कुल विपरीत यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स इमीडिएटली वो नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा उन्होंने एक सिग्नल दिया है। प्लस ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है, स्पेशली जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली अर्निंग्स में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन आया है ये थोड़ा सा एक मॉडरेट करेक्शन है। ओवरऑल मार्केट्स का जो सिचुएशन है वो मुझे लग रहा है कि इतना भी खराब नहीं है। आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार के नंबर्स क्वार्टरली नंबर्स आते हैं कंपनीज के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी भी रिजल्ट सीजन काफ़ी हैवी है। हमारा मानना है कि एक बार यूएस टेपरिंग का इफेक्ट आता है उसके बाद मार्केट्स को एक डायरेक्शनल व्यू मिलेगा, क्योंकि सारे मार्केट्स अवेट कर रहे हैं कि कितना यूएस टेपरिंग का अमाउंट होगा, कितना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और मार्च के बाद ही मेरे ख्याल से एक डायरेक्शनल व्यू मिलेगा। तब तक हमको लग रहा है कि मार्केट्स एक कंसोलिडेशन और साइडवे मूवमेंट में रहेंगे, और ओवरऑल आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके ही काम करना है। काफी ऐसी कंपनीज है जहाँ पे तीसरे तिमाही नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और जहाँ पे निवेश के मौके अभी भी काफी अच्छे लग रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो लीवर एक ऐसी कंपनी है जो रूरल एज वेल एज अर्बन मार्केट्स को केटर करती है। और आपने सही कहा कि रूरल मार्केट्स में अभी थोड़ी सी डिमांड को लेके थोड़ी सी इश्यूज है, लेकिन हमारा मानना है कि 2022 में होपफुली सेकंड हाफ में डिमांड वापस पिकअप होगी, और मार्जिन में जो प्रेशर दिख रहा है इनपुट कॉस्ट का, स्पेशली कमोडिटी इनपुट कॉस्ट का, वो आपको बाद में थोड़ा सा सबसाइड होने लगेगा। तो अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने, तो प्लीज होल्ड ऑन करिए। लीवर एक ऐसी कंपनी है जो नतीजों और बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा बाउंस बैक देने की कैपेसिटी रखती है, तो प्रोस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अच्छे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा साइडवे जरूर रहेगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है तो होल्ड करे। मुझे अभी भी लग रहा है कि अच्छे खासे अपसाइड यहाँ से भी मिल सकते हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए डिवीज लैब्स एक वेल नोन क्रैम्स प्लेयर है, और अगर हम इस कंपनी की बिजनेस देखे, इस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ देखें, तो बहुत ही बढ़िया नंबर्स नॉट ओनली Q3 में आने की अपेक्षा है, लेकिन सबसे बड़ी बात चाइना फैक्टर को लेके जिस प्रकार का बिजनेस इंक्रीमेंटली इनको मिला है और आगे भी मिलेगा, इसका डेफिनेटली बेनिफिट कंपनी को आगे FY23 में भी देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, अगर 12 to 18 months का है, तो डेफिनेटली ऐसे खराब बाजार में आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज एक्युमुलेट करना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वोलेटिलिटी जरूर रहेगी, लेकिन जिस प्रकार की आज मैनेजमेंट कमेंट्री आती है कंपनी के रिजल्ट आने के बाद और आउटलुक जो मैनेजमेंट शेयर करता है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आगे का रोड मैप भी अच्छा ही रहेगा। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है, बट थोड़ा सा लंबा इंतजार करना याद जरूर। मुझे लग रहा है कि ये एक्रेलिक फाइबर में नंबर वन प्लेयर है, लेकिन जिस प्रकार के नतीजे हमने पिछले 1-2 साल में देखे हैं इतने उत्साहजनक नहीं है। मैं समझूंगा कि इनको अगर पोजीशन बढ़ानी है तो शायद 1-2 क्वार्टर वेट करें, क्योंकि ऐसे एकदम छोटे माइक्रो कैप कंपनीज में जो वॉलेटिलिटी होती है और जो प्राइस मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़े से वॉलेटाइल रहते हैं। अगर इनका रिस्क एपिटाइट काफ़ी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली अगर नज़रिया कम से कम 1-1.5 साल का है तो ही इसमें निवेश करें, क्योंकि ये छोटी कंपनी है, इसमें वॉलेटिलिटी अगर आती है, 1-1.5 क्वार्टर अगर खराब होता है तो इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो डेफिनेटली इसमें कॉशियसली थोड़ा सा बाय करिए, लेकिन डेफिनेटली एक बात समझ के ले लीजिए कि कंपेयर टू लार्ज कैप ऐसे मिड कैप कंपनीज में आपको थोड़ा सा और सावधानी पर रखना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम सेक्टर में डेफिनेटली काफ़ी वाइब्रेंसी है, क्योंकि जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि अभी जो एल्यूमिनियम का प्राइस है वो करीबन $3,000 चल रहा है। Q3 का जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे एवरेज जो सेलिंग प्राइस थी वो करीबन $2,600 थी। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में एल्यूमिनियम के प्राइसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल्स काफ़ी कम है
प्लस जिस प्रकार का पावर कंजम्पशन जा रहा है, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एल्यूमिनियम का भी काफी बड़ा योगदान है, प्लस दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम की खपत काफी अच्छी हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में और भी अच्छा खासा अपसाइड के लिए जगह है। हालांकि ये कमोडिटी बिजनेस है तो आपको हर क्वार्टर में एल्यूमिनियम के प्राइसेस और इनके कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी, बट ओवरऑल जिस प्रकार का मार्केट शेयर है और जिस प्रकार का एक्सपेंशन इन्होंने प्लान किया है, मुझे लग रहा है कि ये इस लेवल से भी एक 15% की अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर कोई स्टॉक में थोड़ा सा डिप भी आता है उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अगले 6-8 महीने के लिए तो आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए एंटनी वेस्ट एक प्रोमिनेंट कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है, और आपने सही कहा कि स्टॉक में काफी अंडर परफॉर्मेंस है क्योंकि जो आईपीओ प्राइस था वो करीबन 350 रुपया था। स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने के बाद वापस थोड़ी सी गिरावट हमने इसलिए देखी है क्योंकि क्वार्टर थ्री के नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई है वो काफी पॉजिटिव है। कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो एक पैन इंडिया प्लेयर है, नॉट ओनली मुंबई लेकिन दिल्ली और दूसरे स्टेट्स में भी ये वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, और गवर्नमेंट भी इस एरिया को काफी अच्छी तरह से इंसेंटिवाइज कर रही है। मेरा मानना है कि अगर इनका टाइम फ्रेम कम से कम मिनिमम 12-15 मंथ्स है तो डेफिनेटली निवेशित रहिए क्योंकि आगे बाउंस बैक होने की बहुत अच्छे चांसेस है। एक दो ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, वो आने के बाद रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में और अच्छी बढ़त आएगी, बट नियर टर्म में थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा क्योंकि इसमें लिक्विडिटी भी कम है और दूसरी बात इसमें इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी कम है। तो मेरा मानना है कि अगर ये चाहे तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, थोड़ी सी एवरेज प्राइस इनकी कम होगी, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम साल 1.5 साल रखिए क्योंकि इसको टर्न अराउंड होने में थोड़ा समय लगेगा। हालांकि एक नीश स्पेस में ऑपरेट करता है तो डेफिनेटली होल्ड ऑन करिए, और अच्छे खासे रिटर्न आपको अगर लंबी अवधि के लिए वो रखते हैं तो जरूर अपना कॉस्ट प्राइस प्लस थोड़ा सा मुनाफा पे ये कमा सकते हैं। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स के नंबर्स Q3 के लिए जो आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात अभी कंपनी पावर ट्रेडिंग के बाद अभी गैस एक्सचेंज पे फोकस कर रही है। हमको लग रहा है कि आने वाले साल दैट इज FY23 में आपको गैस वॉल्यूम्स का भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, कंपनी एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 95% मार्केट शेयर कमांड करती है, और हालांकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है, हमको लग रहा है कि कॉम्पिटिशन कम से कम 1.5-2 साल तो आएगा नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिजनेस को स्केल अप करने के लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। निवेशक को अगर लंबी अवधि के लिए रखना है 1.5-2 साल के लिए तो अच्छी खासी अपसाइड अभी भी पॉसिबल है। बोनस के बाद नॉर्मली स्टॉक्स थोड़े से कंसोलिडेट होते हैं, इन्होंने 2:1 का बोनस दिया है तो डेफिनेटली लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सप्लाई स्टॉक का मार्केट में बढ़ा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टॉक रेंज में रहेगा। लेकिन अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड हो सकती है। मेरे ख्याल से अगर इनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो थोड़ा सा और भी एवरेज कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 1.5-2 साल रखें। देखिए पहली बात तो ये स्टॉक बहुत ही इलिक्विड है, लेकिन डेफिनेटली इसमें फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है कि देखिए हालांकि ये महंगा स्टॉक है, अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे, ओवरऑल कमेंट्री मैनेजमेंट की देखे, तो डेफिनेटली आगे के जो परफॉर्मेंसेज होंगे वो काफी अच्छे होंगे। ओनली दिक्कत ये है कि हाई बेस वाला स्टॉक है और इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज गेन्स भी जब आएंगे तभी बड़े बेस पे रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर कम से कम मीडियम टू लॉन्ग टर्म यानी 2 साल के ऊपर का नजरिया है तो ही इसमें अच्छा खासा पैसा बन सकता है। 1 साल में अभिषेक इतना शायद अपसाइड ना आए क्योंकि डेफिनेटली हमने देखा है कि ऐसे हाई प्राइस स्टॉक्स में डेफिनेटली जो बेस वैल्यू बड़ी होने के कारण परसेंटेज गेन्स आने में भी काफी समय लगता है। तो 2 साल का नजरिया रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 15-20% का एक कंपाउंडेड एवरेज अगर आप ले तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बट मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे क्वांटिटी सिर्फ 3 शेयर की है इनकी, तो आपको आपकी एसेट एलोकेशन ऐसी करनी है कि जब भी शेयर खरीदे तो एक मिनिमम क्वांटिटी खरीदे जब भी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को एब्सोल्यूट गेन से ज्यादा मतलब होता है, परसेंटेज गेन से नहीं। देखिए मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे और थोड़ा सा समय कंपनी को लगेगा अपने बिजनेस को और ऑपरेशंस को स्केल अप करने के लिए। ये बेसिकली इंडिया बुल्स ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पे अभी भी फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है जितने मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि ये B2C वाला फाइनेंस वर्टिकल है तो मुझे लग रहा है कि अगर 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही अगर ये काम करते तो ही इसमें अच्छा खासा पैसा बनेगा। डेफिनेटली जिस प्रकार की कंपटीशन अभी फाइनेंशियल सेक्टर स्पेस में जो धनी ऑफर कर रही है, काफी दूसरे प्लेयर्स भी अभी इस सेगमेंट में एंटर कर चुके हैं,
तो आने वाले दिनों में अगर टाइम फ्रेम लंबा है तो ही यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। देखिए पहली बात तो ये LIC की सब्सिडरी है, LIC इनका पेरेंट है, और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि अभी LIC का IPO आ रहा है तो डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा तो इंटरेस्ट सारे LIC के प्रमोटेड कंपनीज में तो आने ही वाला है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो पिछले 2-3 साल इनके लिए बहुत चैलेंजिंग थे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स एक तो नीचे थे, ऑब्वियसली हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस भी थोड़ा सा दबा हुआ था। लेकिन अभी पिछले साल से रियल एस्टेट मार्केट पिकअप हो गया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हो गई है, गवर्नमेंट ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 2 साल हो सकता है कि कंपनी अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से रिकॉर्ड करे। फंडिंग के लिए इनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेरेंटेज LIC होने के बाद जिस प्रकार का बिजनेस ग्रोथ और फंड डिप्लॉयमेंट है ये इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इन्होंने शायद रॉन्ग टाइम पे टॉप पे शेयर खरीदा था, उसके बाद साइकिल खराब हो गया। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस और जो NBFCs है जो हाउसिंग फाइनेंस को केटर करती है वहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिविटी आई है, और होपफुली इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर बढ़ती है आने वाले दिनों में तो डेफिनेटली LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी फायदा होगा। कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखे, ये डेफिनेटली एक क्वालिटी स्टॉक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऊपरी लेवल पे खरीदा है तो इंतजार करना इनके लिए वाजिब रहेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इनको कोई लॉस में ये पोजिशन निकाल लीजिए। मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं मेरे ख्याल से मार्केट्स के उम्मीद से डेफिनेटली थोड़े से कम है। यहाँ पे लिक्विडिटी भी थोड़ी कम है, लेकिन डेफिनेटली अगर इनका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको 95-96 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, और मोस्ट मैं समझता हूँ कि जो बिजनेस मॉडल इनका है वो तो काफ़ी स्केलेबल है, तो डेफिनेटली निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा इन्वेस्टर को परेशान या फ्रस्ट्रेट करे, लेकिन अगर 6 से 12 महीने की अवधि है डेफिनेटली इसमें एक 90 या 95 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। यहाँ पे कम से कम 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए सुप्रजित इंजीनियरिंग एक वेल नोन टू व्हीलर कंपनी है जो ऑटोमोटिव केबल्स बनाती है, और सारे टू व्हीलर कंपनीज को ये OEMs के पॉइंट ऑफ व्यू से केटर करती है। हालांकि यहाँ पे रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी कम होती है। हमारा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो अभी नए प्लेयर्स आ गए हैं यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीमेंटल ग्रोथ का पोटेंशियल इस कंपनी को जरूर मिलेगा। हम समझते हैं कि टू व्हीलर में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अभी कैपेसिटीज लगाने की बात की है, जैसे बजाज ऑटो है, हीरो मोटर कॉर्प है, TVS ने भी इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किया है। तो आने वाले मेरे ख्याल से सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छा विकल्प बिजनेस का इनके लिए बनेगा। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत जल्दी भाग चुके हैं, और इसलिए हो सकता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन दिखाए। अगर निवेशित रहना चाहते हैं तो इन्वेस्टर को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मेरे ख्याल से FY 2023 के नतीजे होपफुली अच्छे होंगे, और ऑब्वियसली अगर अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे 15-16% आती है तो इसमें और थोड़ी अपसाइड आएगी। मेरे ख्याल से जो इमीडिएट नियर फेयर वैल्यू आती है वो करीबन 450-470 आती है, तो ये रेंज में स्टॉक अगर आता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इनको थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपरी लेवल पे। अगर स्टॉक गिरता है और थोड़ा 375-380 तक आता है तो थोड़ा सा वापस एवरेज करके वो पोजिशन ऐड कर सकते हैं।